डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम मेसोमेरिक इफेक्ट का लेक्चर 3 देखेंगे। लेक्चर 3 में मेसोमेरिक इफेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, उसको मैं डील करूँगी कि ये टाइप्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, और इसके कई एग्जाम्पल्स देखे मैं इसको इलेबोरेट करके समझाऊँगी। इसमें लेक्चर 3 में इसको देखना बहुत ज़रूरी है, इसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसको अच्छे से समझिएगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से इलेबोरेट करके मैं बताऊंगी एक एक एग्जाम्पल को। सो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, मेसोमेरिक इफेक्ट लेक्चर 3। I already prepared lecture 1 and lecture 2. If you haven't seen, you can visit lecture 1 and lecture 2. Okay, this is the syllabus of BSc part 3, paper 7, group A. Now we will continue. See, again I am repeating the definition of mesomeric effect. In mesomeric effect, polarity which arises due to transference of pi electrons. See, mesomeric effect में polarity होना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे create होता है, जब pi electrons का transfer होता है, ठीक है, from multiple bond to an atom or from an atom, एक multiple bond से दूसरे multiple bond तक एक atom का दूसरे atom की ओर, having lone pair होना बहुत ज़रूरी है to the adjacent single covalent bond भी होना बहुत ज़रूरी है। तो mesomeric effect में हम यही देखें कि एक तो polarity produce होगा, number one, transference of pi electron होगा, pi electron होना बहुत ज़रूरी है, multiple bond होना बहुत ज़रूरी है, and जब भी transference होगा तो pi electron का होगा, multiple bond होना ज़रूरी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, एंड एडजेसेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप जान ही रहे कि कोवेलेंट बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस होता है जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट टू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन मैंने समझा दिया, ठीक है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। नंबर 1, प्लस एम माइनस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन और ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को, एटम्स और ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उसको प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। एम रिप्रेजेंट मेसोमेरिक इफेक्ट। सी, एम इफेक्ट, एटम्स और ग्रुप्स which donate electrons towards the doubly bonded carbon atom. ये doubly bonded carbon atom की ओर electron donate करते हैं, उसे plus M effect कहते हैं। यहाँ पे example देख लीजिए, example actually ये सब जो है जैसे Cl पे lone pair, Br पे lone pair, iodine पे lone pair, NH2 है, OH group है, OCH3, ये सारे पे लोन पेयर हैं, ये सारे ऐसे एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है टुवर्ड्स डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। Cl, Br, I, NH2, OH, OCH3, जितने भी ग्रुप्स किसी कंपाउंड्स के साथ लगे हुए रहेंगे, ये सारे ग्रुप्स डोनेट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी ग्रुप या किसी कंपाउंड्स में जाकर के, अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, ये डोनेटिंग ग्रुप है, इसे प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। नाउ सेकेंड एग्जांपल इज माइनस एम इफेक्ट, विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट आर सेड टू कॉज माइनस एम इफेक्ट। ऐसे ग्रुप्स और एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब विड्रॉ कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को देते नहीं हैं कंपाउंड्स या चेन में बल्कि विड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ग्रुप्स और एटम्स को प्लस माइनस एम इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है।
ये ग्रुप्स और एटम हैं NO2, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड N, SO3H, COOR, R मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये किसी भी ग्रुप, किसी भी एटम से ग्रुप या कंपाउंड के साथ लगे रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा विड्रॉ करेंगे। मैं कई एग्जांपल देके समझाऊंगी। NO2 का भी एग्जांपल मेरे पास है जो बेंजीन ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो कैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, कैसे विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है कंपाउंड में, बल्कि ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो दिस वर द एग्जांपल ऑफ माइनस एम इफेक्ट से एग्जांपल देखेंगे। देखो OH ग्रुप लग गया, बैक जाते हैं। देखो प्लस एम इफेक्ट में क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन चेन में देते हैं, इलेक्ट्रॉन या कंपाउंड्स को देते हैं, जो प्लस एम इफेक्ट एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन चेन में OH का ग्रुप लगा हुआ है। ये देखो कार्बन 1, 2, 3, 4, मैंने नेमिंग इसलिए दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप वहाँ यहाँ सभी 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो OH ग्रुप देखिए लगा हुआ, तो क्या ये प्लस एम इफेक्ट का एग्जांपल था। प्लस एम इफेक्ट यानी ये इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। अब देखिए OH पे लोन पेयर है, ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट का। दूसरा कंजुगेशन है, डबल सिंगल दूसरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हुए हैं, जाहिर सी बात है। अब पाई बॉन्ड भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से उठ करके पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो सारे और पोलैरिटी प्रोड्यूस करेगा। ये तो सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। अब देखिए लोन पेयर जो है ये कार्बन 4 को देगा, ये लोन पेयर, क्योंकि ये लोन पेयर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन OH क्या करता है, प्लस एम का एग्जांपल है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने नेचर के अनुसार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो देखिए नीचे फिगर में देख लीजिए जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, नीचे फिगर में OH अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो OH यानी O अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है, एक लोन पेयर लॉस किया। तो क्या हो जाएगा, जो लॉस करता है उस पर प्लस साइन आ जाता है, और यहाँ पे ये पूरा दो इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, डबल बॉन्ड हो गया। अब जब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो ये यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड इसको पुश करेगा, तो ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड उठ करके इस कार्बन पे आ जाएगा। देखिए ये डबल बॉन्ड पुश किया इसको, तो ये इस कार्बन पे आ गया, ठीक है। अब जब इस कार्बन पे आ गया और ये कार्बन भी लॉस कर रहा है, कार्बन 2 भी लॉस कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, और इस पे माइनस साइन है, इस पे प्लस साइन है, तो दोनों माइनस प्लस मिल करके 2-3 जो है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो 3 एंड 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड उठ के जा रहा है, 3 एंड 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड। कार्बन 3 पे माइनस साइन आ जाएगा, और कार्बन 2 भी लॉस कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, देखिए कार्बन 2 लॉस कर रहा है अपना पाई इलेक्ट्रॉन, तो प्लस माइनस आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कार्बन 1 का पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ पे ये इसको पुश करेगा, ये बॉन्ड इसको पुश करेगा, ये बॉन्ड पूरा उठ करके कार्बन पे आ जाएगा, तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया प्लस एम इफेक्ट का एग्जांपल। ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। अब देखिए R2N का है, तो R2N के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, ये आपका लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर जो है अपना इलेक्ट्रॉन पूरे कार्बन चेन में डोनेट करना शुरू कर देगा। N अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पाई बॉन्ड, अब बॉन्ड बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन N और C के बीच में बॉन्ड बना लेगा, देखिए N और C के बीच में बॉन्ड बना लिया। अब N ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। कार्बन 2 और 3 के बीच में देखिए, क्योंकि यहाँ पाई डबल बॉन्ड बन गया, तो ये डबल बॉन्ड जो है इस डबल बॉन्ड को पुश करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ करके कार्बन 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। देखिए कार्बन 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण कर लिया, यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे।
अब 3 और 4 का जो पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है ये उठ करके कार्बन 4 पे आ जाएगा। देखिए कार्बन 4 पे माइनस साइन आ गया, ठीक है, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 रहेगा। अनदर एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल प्लस M के चल रहे हैं। देखो ये एक कंपाउंड है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है, यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। N अपना लोन पेयर पूरे सिस्टम को देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और N पे प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो N पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और N पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये यहाँ डबल बॉन्ड हुआ तो ये इस डबल बॉन्ड को के पाई बॉन्ड को पुश करेगा, तो ये पाई बॉन्ड उठ करके कार्बन के ऊपर आ जाएगा। जब कार्बन के ऊपर आ गया यहाँ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पाई बॉन्ड उठ करके कार्बन के ऊपर, यानी कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अनदर एग्जांपल, ठीक है, ये पूरा कंपाउंड है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नीचे बनाया हुआ है। H2N, N के ऊपर लोन पेयर है, जाहिर सी बात है N अपना इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में देगा और ये पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते जा रहा है, पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया। N के अपना लोन पेयर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, N ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, प्लस चार्ज हो गया। अब ये डबल बॉन्ड पुश करेगा, ये पूरा पाई बॉन्ड उठ करके इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और ये क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो इस डबल बॉन्ड को ये पुश करेगा, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पे आ जाएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स शो कर रही हूँ ताकि आपको जो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बनाने का। खुद से बनाइए, वीडियो देखिए, कई बार देखिए, नोट कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो NO2 आ गया, ये क्या था, जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, विड्रॉ कर लेगा अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है O जो है, ये माइनस M इफेक्ट का एग्जांपल हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना, ये सिस्टम से बाहर ले नहीं रहा है, सिस्टम को दे रहा है, सिस्टम से ले रहा है। देखो आप एग्जांपल देख लो NO2 का, देखो NO2 माइनस M इफेक्ट में आता है NO2, अब यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये पूरे कार्बन चेन में दे तो नहीं रहा है, ये कार्बन चेन से ले रहा है, देखो ये खींच रहा है अपनी ओर NO2। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉजिक यही है कि N और O के बीच में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा जाए तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, होने के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा, जब ये लेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम से विड्रॉ कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, फिर जब यहाँ और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, और कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में पाई बॉन्ड क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो रहा है 2 पे और 3 पे, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। ये माइनस M इफेक्ट का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिएगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ माइनस M इफेक्ट, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द सिस्टम, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, अगर देता तो ऐसा होता, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऐसे है। देखो ये प्लस M इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना सिस्टम में, देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है विद इन अ सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, देखो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस साइन शो कर रहा है, ये माइनस साइन उठ करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड फिर उठ करके इस कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो गेन हुआ है यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा, नेक्स्ट फिगर में देखो पाई बॉन्ड का निर्माण किया,
अब यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, तो ये पूरा पाई बॉन्ड उठ करके इस कारण पे आ जाए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दिस कारण विल गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ओके, देन दिस कार ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहेगा। जैसे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, नेक्स्ट फिगर देखिए, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ बॉन्ड डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये टेट्रावेलेंट कार्बन के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो ये डबल बॉन्ड टूट करके फिर यहीं आ जाएगा। यहाँ आने से यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस साइन होगा, यहाँ पे प्लस साइन होगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाएगा, तो ये जब ये डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन जो लॉस हुआ था, यहाँ पे प्लस साइन होगा, यहाँ पे भी प्लस साइन होगा, तो जो लॉस हुआ था वो फिर से गेन हो जाएगा, पूरा ये बॉन्ड पूरा उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे जो प्लस साइन था वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, तो ये पूरा बॉन्ड उठ करके यहाँ आया, तो यहाँ पे प्लस साइन को रीगेन कर लेगा, और रीगेन करने से यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ ईरर हो गया है, यहाँ पे प्लस साइन है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना स्टूडेंट, से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा है, तो अगर यह पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस साइन होगा, यहाँ पे भी प्लस साइन होगा, और जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये प्लस साइन हट करके इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों फिगर में यहाँ प्लस साइन होगा, प्लस साइन होगा, प्लस साइन होगा। ठीक है, आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिएगा। NH2 का एग्जाम्पल है, देखो NH2 अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, दे रहा है सिस्टम में दे रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। देखिए डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ जाएगा, इस कारण पे आ जाएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब ये माइनस साइन जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन आइटम पे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा थर्ड फिगर में। अब यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, अब ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ आना चाहेगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन आ गया फिगर फोर में। अब यहाँ पे जब माइनस साइन आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, देखिए डबल बॉन्ड का निर्माण किया। अब जब ये डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन उठ करके इस Na के ऊपर आ जाएगा, तो Na के पास जो माइनस प्लस साइन था, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ख़त्म हो जाएगा और ये फिर से लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ पे ये पूरा बॉन्ड उठ करके एन पे आ गया, तो यहाँ पे फिर से लोन पेयर आ गया। देख लो फिगर, नेक्स्ट एग्जांपल। ये सारे एग्जांपल प्लस एम इफेक्ट के हैं। देखो ऑक्सीजन ओ सी एस थ्री, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। अब ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट करके इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन शो करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा थर्ड फिगर में। और जब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो ये डबल बॉन्ड उठ करके इस कार्बन पे आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो करेगा इस कार्बन पे। अब ये इस कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे आने की कोशिश करेगा इसी यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को ये पुश करेगा, तो इस कॉर्नर के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देखो आ गया, अब ये कॉर्नर पे आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा अगले फिगर में, तो ये डबल बॉन्ड इसको पुश करेगा, इस डबल ये पूरे बॉन्ड एक बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल, ये सारे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक है, अब माइनस एम इफेक्ट में आते हैं। माइनस एम इफेक्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले लेता था। एक एग्जांपल NO2 का मैंने दिखाया, एक और एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ, बेंजीन के साथ CN लगा हुआ है। ठीक है, जब बेंजीन के साथ CN लगा हुआ है तो CN इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, जाहिर सी बात है,
तो ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट करके ये यहाँ पे आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। और क्योंकि ये डबल बॉन्ड का निर्माण कर रहा है और ये शो कर रहा है कि सी एन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये जब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, ये कार्बन लॉस किया है अपना इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ से ये कार्बन लॉस किया है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। अब यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड उठ जाने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। अगले फिगर में देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया इस फिगर में, इस फिगर में डबल बॉन्ड का, थर्ड फिगर में डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये डबल बॉन्ड क्योंकि डिफिशियंसी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। देखिए फिगर फोर में डबल बॉन्ड का निर्माण किया, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी तरह से डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आएगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर देगा। सो सी एन इस तरह से सी एन और बेंजीन यानी बेंजो नाइट्रिल इसको कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन इसमें होगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये तो माइनस एम इफेक्ट का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ये। अनदर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है, इसी कंपाउंड का एक अनदर स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे है। CO, सी डबल बॉन्ड O भी माइनस एम इफेक्ट का एग्जाम्पल था। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे भी देखिए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, तो ऑक्सीजन विल विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये पूरा बॉन्ड उठ करके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि अनस्टेबल हो गया, तो ये पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। देखो फिगर सेकंड में यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया ना, और ये क्योंकि H2C ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो कार्बन के ऊपर ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, देखो H2C के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। माइनस एम इफेक्ट का एग्जाम्पल था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। होप कि आपको समझ में आया हो प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका मेसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने आया हो। देखिएगा रेजोनेटिंग और मेसोमेरिक इफेक्ट में हल्का स्लाइटली डिफरेंस है, उसको बारीकी से देखिए, बार बार स्ट्रक्चर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, आपका मेसोमेरिक इफेक्ट उतना ही क्लियर होते जाएगा। थैंक यू सो मच।